हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मगर आप लोग 7-8 के बच्चे, जैसा मैंने वॉइस मैसेज से आप लोगों को बताया था कि आपके साइंस निराज सर, सॉरी केसर सर और एसएसटी सोहम सर स्टार्ट, लेकिन आप लोग देख नहीं रहे एसएसटी बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, कुछ ही लोग व्यूअर्स भी नहीं है। क्यों? आपको एसएसटी नहीं पढ़ना है? आपको क्या लगता है एसएसटी के बिना काम चल जाएगा? आपके शरीर का, आपका शरीर जो बना है इसके सारे अंग का वैल्यू है, और किसी भी अंग को अगर मैं काटूं तो दर्द होगा, कोई यूजलेस नहीं। तो एसएसटी आप समझते हैं कि यूजलेस है, तो आप गलत सोच रहे हैं। यूजलेस नहीं है, आप एसएसटी में इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि जब एग्जाम होगा कोई भी तो एसएसटी भी देना पड़ेगा, और वो भी आपके एग्जाम के रिजल्ट में उसको बेस्ट करने के उतना ही भागीदार होगा जितना साइंस, मैथ या कोई भी सब्जेक्ट। ओके, बहुत बुरा लगता है जब व्यूअर्स की नजर नहीं आते, कमेंट्स तो समझ में आता है लेकिन व्यूअर्स ही नहीं है। बताइए, मैथ में व्यूअर्स 30 हैं, 25 हैं, 40 हैं, और एसएसटी में 1-2। दैट्स रॉन्ग। ये आप अपने सब्जेक्ट को बिगाड़ रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट को खुद ही बिगाड़ रहे हैं, और आने वाले दिनों में कहेंगे सर मेरा मैथ तो अच्छा है पर एसएसटी अच्छा है। तो मैं क्या करूं? मैं तो बता ही सकता हूं ना, पढ़ना आपका काम है, करना आपका काम है। कल जब एसएसटी का लॉकडाउन के बाद खुलेगा, हम क्वेश्चन लेंगे, आपके पास जवाब ही नहीं होगा, जीरो पे बोल रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिए और सारे सब्जेक्ट को पढ़िए, और उतना ही एसएसटी को भी पढ़िए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरा कंप्लेंट आज से खत्म हो जाए। ओके, चलते हैं डिस्काउंट की तरफ, और आज का पहला क्वेश्चन है, ए ट्रेडर गिव 4% डिस्काउंट ऑफ मार्केट प्राइस एंड गिव 1 item फ्री ऑफ द परचेज ऑफ 15 items एंड अर्न प्रॉफिट ऑफ 35% बाई 1% द मार्केट प्राइस हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस। क्या मतलब हुआ? कहता है कि एक ट्रेडर 4% डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस में, और शादी में अगर वो 15 item खरीदता है तो 1 item मुफ्त में देता है, यानी 15 पे 1 फ्री है ना, और साथ में वो 35% का लाभ भी कमाता है। तो बताओ मार्केट प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कितना एवं दाम रखना पड़ेगा ताकि उसको प्रॉफिट भी हो जाए और फ्री में भी। ठीक है, बहुत आसान। लेट मी एसी भी हमने 100 रुपया मान लिया, शोर 15+1 फ्री, 16 item बेचेगा, 15 बेचा और 1 फ्री में दिया, यानी 16, तो सीपी ऑफ 16 आइटम 1600 रुपया हो गया। गेन 35% लेना है तो गेन बराबर 1600 का 35% निकाल दिए 560 रुपया। तो एसपी क्या होगा? 1600 रुपया सीपी था और गेन हमको 560 लेना है, 2160 रुपया हमारा एसपी होगा। लेट मी एमपी एक्स, हमने एमपी को एक्स मान दिया, तो डिस्काउंट 4% देना है, तो एक्स का 4% डिस्काउंट दे दिया, एक्स बड़ा 25, तो एसटी क्या होना चाहिए? एक्स माइनस डिस्काउंट, जितना दाम था उसमें डिस्काउंट को घटाएंगे, एक्स माइनस एक्स बाई 25, घटाने के बाद आ गया 24x/25 एसटी ऑफ 15 item। लेकिन हमें 15 item का ही तो पैसा मिलेगा, 16 item का नहीं मिलेगा, एक तो फ्री में दे रहा हूं कस्टमर को, तो एसटी ऑफ 15 item 24x/25 पुणे 15 करेंगे, 360x/25 आ गया। इसका मतलब है कि
ये 360 x/25 बराबर है 2160 रुपए अगर दोनों इसकी, तो 360 x/25 बराबर है 2160 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू निकालेंगे, 6 बार में कट जाएगा यानी 150 रुपया। x का मतलब वन आइटम का एमपी 150 रुपया रखना होगा, तो एमपी 150 सीपी 100 कितना गेन करना पड़ेगा 50 रुपीज, तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा नंबर 100 बटा टोटल नंबर यानी सीपी 50 गुने 100 बटा 100 हमने रखा था, राइट आंसर 50%। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, कहता है एक ट्रेडर मार हिज गुड्स 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ही सोल्ड हाफ ऑफ गुड्स इन एमपी 1/4 एट 20% डिस्काउंट एंड द रेस्ट ऑन 40% डिस्काउंट, हिज टोटल प्रॉफिट होगी। कहने का मतलब है कि एक ट्रेडर जो है 20% ज्यादा सीपी से रखता है प्राइस, यानी एमपी सीपी से 20% मोर देन होता है, लेकिन आधे सामान को है ना हाफ का माने आधा मार्केट प्राइस पे ही बेच देता है और 1/4 आइटम को 20% के डिस्काउंट पे और बाकी बचे को 40% के डिस्काउंट, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट 20% मोर ऑफ सीपी हाफ सोल्ड मार्केट प्राइस 1/4 सोल्ड 20% डिस्काउंट और रेस्ट 40% डिस्काउंट, तो 1/4 आप देखिए हमने पहले सीपी मान लिया कि 100 रुपीज है, तो एमपी कितना होगा 100 प्लस 100 या 20% 120 रुपीज, लेट बी टोटल गुड्स सोल्ड लेट बी 10 पीस, हमने माना कि 10 पीस गुड्स को बेचा गया, तो सीपी ऑफ 10 आइटम कितना होगा 10 मल्टीप्लाई 100 माने 1000 रुपया हो गया, तो सोल्ड हाफ, तो हाफ का माने आधा, तो 10 में 2 से भागा दे दिया आइटम का आधा हो गया, पूरे 120 एमपी पे बेचा, 120 एमपी है तो 600 रुपया में बिक गया। अब 1/4 तो देखिए 1/4 सोल्ड एमपी में 20% का डिस्काउंट देंगे तो उसका क्या रेट होगा 96 रुपीज रेट हो गया, ये रेट है 1/4 का, तो 1/4 मल्टीप्लाई 10 10 आइटम का उसको 1/4 करने के 1/4 से 10 और मल्टीप्लाई 896 काटेंगे तो 240 रुपए आ जाएगा रेस्ट, तो रेस्ट निकालने के लिए रेस्ट को 40% डिस्काउंट पे बेचना है, 120 माइनस 120 का 40% 48 घटाएंगे तो ये किसका रेट हो गया, और रेस्ट आइटम है कितना, तो आइटम का 10 और 10 भी घटा दिए 10 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1/4 यानी हाफ ऑफ 1/4, इसको जब काट करके जोड़ेंगे 5 प्लस 5 बटा 2 तो आएगा 15/2 और 10 में से 15/2 को घटाएंगे तो हमारे पास रेस्ट आइटम कितना बचा 5/2, तो 5/2 को बेचना है 72 रुपए के हिसाब से, 72 से गुणा कर दिया काटेंगे 180 रुपए यानी 600 240 180 तो टोटल एसपी तीनों को जोड़ दिए 1020 आया, हमने सामान 1000 में खरीदा था और बेचा 1020 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपया, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट में 100 बटा सीपी होता है, प्रॉफिट 20 है सीपी 1000 है 100 काटेंगे तो राइट आंसर 2%। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, कहता है ये रिटेलर परचेज 40 पेंस इज द प्राइस ऑफ 36 पेंस, If he sell them on the discount of 1%, then what will be his 1% profit? कहता है कि एक रिटेलर दुकानदार 40 को पेन खरीदता है 36 को पेन के बराबर दाम, खरीदा है 40 पर पैसा दिया है 36 और 40 मिल गया, यानी कि सीपी ऑफ 40 पेंस इक्वल ऑफ प्राइस ऑफ 36 पेंस, तो सेल डिस्काउंट 1% है फाइंड प्रॉफिट परसेंट, तो देखिए मैंने मान दिया कि लेट योर प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 1 रुपीज, तो सीपी कितना होगा 36 है वो कलर की जितना पैसा दिया तो 36 रुपया, लेकिन प्राइस उसका है 1x40 40 रुपया है तो एसपी बराबर 40 माइनस 40 का 1% 40 पे डिस्काउंट देगा तो डिस्काउंट आ गया 0.40 पैसा यानी कि एसपी है 39.60 रुपए, तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी
39.6 में थर्ड शिफ्ट घटा दिया, ये प्रॉफिट आ गया 3.60, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट ने 100 बढ़ा, सीपी पॉइंट उड़ा दिया तो जीरो आ गया, जो वो जीरो जीरो काट दिया, 36 काट दिया, राइट आंसर 10%। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, ए शॉपकीपर परचेज ए चेयर वर्थ ₹800 ऑन टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली, द ही spent ₹28 on freight and sold the chair is ₹800, what is his total percent profit? कहता है कि एक शॉपकीपर ने ₹800 का चेयर खरीदा है और टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 15% और ₹28 किराया लग गया, भाड़ा लग गया उसको लाने में, और ₹800 में बेच भी दिया, तो बताओ परसेंटेज प्रॉफिट क्या है? परचेज 800, सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 15%, ट्रेड स्पेंड 28 है और एसपी ₹800 है, इसलिए आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट प्राइस, पहले डिस्काउंट के बाद प्राइस क्या होगा? 800 माइनस 800 का 10% है पहला, जब काटेंगे तो आएगा 80 और घटाएंगे तो ₹720 प्राइस हो गया आफ्टर, इसलिए आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट प्राइस क्या होगा? 720 माइनस 720 का अब 15% डिस्काउंट देना है, यानी ₹108 आएगा, घटाएंगे तो 612, तो सीधी बराबर ये तो 612 हो गया और प्लस फ्रेट किराया जो लगा भाड़ा उसको जोड़ देंगे तो हमारा सीपी 640 हो गया, तो प्रॉफिट हो गया क्योंकि हमने 800 में बेचा था, 640 लागत पड़ा, तो ₹160 का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट ने 100 बड़ा सीपी काटेंगे तो राइट आंसर 25%। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, कहता है कि ए शॉपकीपर की द प्राइस ऑफ हिज क्लॉथ्स 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस and allow a discount of 10% on cash payment, his percent profit. कहता है कि 20% ज्यादा दाम रखा एक शॉपकीपर अपने कपड़े का और कोई नगद अगर खरीदता है तो 10% डिस्काउंट पे देता है तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए, यही क्वेश्चन। 20% है, डिस्काउंट 1% है, हमने माना कि लेट बी सीपी बराबर 100 रुपीज, राइट, तो एमपी बराबर 100 प्लस 100 का 20% होगा, यानी एमपी हमारा कितना हो गया? ₹120 हो गया, ठीक है, तो डिस्काउंट कितना होगा इसका? 120 का 10% 12 हो गया, तो एसपी हो गया 120 माइनस 12 ₹108, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 108 माइनस सीपी कर देंगे ₹100, ₹8 का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट 100 बड़ा सीपी, यानी राइट आंसर 8%। ओके